इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असम में भारी बारिश और ब्रह्मपुत्र नदी ने कैसी तबाही मचाई है। घर, सड़क, खेत, रेल लाइन और पूरे के पूरे गांव सब पानी में डूब चुके हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी नेमाटी घाट और कामपुर में दोनों जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपको बता दें कि असम पूर्वोत्तर भारत के उन इलाकों में से है जहां बाढ़ हर साल आती है। हर साल यहां बाढ़ का भयावह मंजर दिखाई देता है। असम में आई बाढ़ और भूस्खलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य में करीब 20 जिलों के तकरीबन 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलग अलग इलाकों से बाढ़ की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। असम के नागांव में बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नागांव में कामपुर के कई इलाकों में बारिश के बाद हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी भी लापता हैं। इंसान के साथ साथ बाढ़ के पानी ने बेजुबान जानवर को भी नहीं छोड़ा। पानी के तेज बहाव के चलते कई सड़क मार्गों से संपर्क टूट गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बाहर निकालने का काम सेना की ओर से लगातार जारी है। तो वहीं पूर्वोत्तर रेलवे भी बाढ़ के आगे बेबस हो गया है। असम में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से दीमा हसाओ जिले का हाफ लॉन्ग स्टेशन पूरी तरह से पानी में डूब गया है। अब असम के लोग पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं और फिर से सामान्य जिंदगी का पटरी पर लौटने का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।